एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में पौष्टिक भोजन देने की शुरुआत की। यहां जरूरतमंद लोगों को मात्र 5 रुपए में भोजन मिलेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने पिता हरनाथ पटेल की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई थाली की शुरुआत की। मिडिल स्कूल ग्राउंड हरदा से इसकी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि किसी भी जरूरतमंद की थाली खाली नहीं रहेगी। इसी कड़ी में अब गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने की शुरुआत हरदा से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार अपने परिवार के सदस्य की पुण्यतिथि, जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि के अवसर पर मानव सेवा करना चाहता है तो गरीबों की थाली का पूरा पैसा जमा कर मानव सेवा का लाभ उठा सकता है। मंत्री पटेल ने कहा कि रसोई योजना का सारा खर्च प्रदेश सरकार उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में गरीब लोग, मजदूर, असहाय, जिनको सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय रसोई योजना प्रारंभ की थी। उसमें पहले 10 रुपये में थाली देते थे, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया है कि वो 5 रुपये में थाली दी जाएगी गरीबों को, ताकि वो लोगों का एक टाइम भोजन कर सके घर पे। और इसके अलावा किसी का जन्मदिन, किसी की पुण्यतिथि, किसी के परिवार में उनके परिवार वाले आके इतनी राशि दे देते हैं तो निःशुल्क भोजन भी होता है। जैसे आज हमने निःशुल्क भोजन कराना है जितने भी लोग आएंगे उनको, इस प्रकार कई दिनों में तो निःशुल्क हो जाता है। बाकी 5 रुपये से आज से किया नगर पालिका ही संचालित करेगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।